चंद्रपुर, किले का शहर, जिसकी खोज 13वीं शताब्दी में गोंडा के राजा खांडक्य बल्लार शाह ने की थी। चंद्रपुर के आसपास कुल 27 कोयले की खान है और इस शहर को ब्लैक गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ सुपर थर्मल पावर स्टेशन और टाडोबा नेशनल पार्क की वजह से इस शहर को द ज्वेल ऑफ विदर्भ भी कहा जाता है। 56 किलोमीटर में फैले इस शहर में लगभग 5 लाख की आबादी रहती है। यहां का मौसम गर्म और सूखे का मिश्रण है। यह शहर यहां के ट्राइबल फोक डांसेस के लिए भी जाना जाता है। इसी मिट्टी से पैदा हुआ एक बेटा, जिसका बचपन यहीं की गलियों में गुजरा, उसने अपनी शिक्षा भी इसी पवित्र स्थान से प्राप्त की और 17 साल की उम्र से इस शहर की तरक्की के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उस शख्स का नाम है सुधीर मुनगंटीवार। मुझे आज भी याद है, चौथी कक्षा में जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि मैंने कुछ हटके काम करना चाहिए। अंधेरा दूर होने के लिए सूरज नहीं बन सकते, मगर वो गीत है, सूरज ना बन पाए तो दीपक बन के जलता चल। आसपास में मैं कुछ तो अंधेरा दूर कर सकता हूँ। और ये दृष्टिकोण जैसे मेरा विकसित होते गया तो मैंने तय किया कि हमने राजनीति में आना चाहिए। एक ऐसा तेजस्वी और परिश्रमी नेता जिसको जनता ने 2 बार चंद्रपुर से और 3 बार बल्लारपुर से MLA के रूप में सेवा करने का मौका दिया। लोगों को सुनने वाला, खुले दिल से सभी को अपनाने वाला, दया भाव की भावना और निष्पक्ष भाव से सेवा करने वाला एक इंसान, जिसकी यात्रा एक साधारण लड़के से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक बनने की है। 6 अप्रैल 1980 में भी मैं, जब भारतीय जनता पार्टी की 6 अप्रैल को बांद्रा में स्थापना हुई, उसका भी एक मैं साक्षीदार हूँ। और अटल जी का भाषण था कि सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, साधन है, सत्ता हमारे लिए माध्य नहीं है, माध्यम है। और तब उन्होंने कहा भी था कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में। सुधीर मुनगंटीवार को आज महाराष्ट्र के यशस्वी नेताओं में से एक माना जाता है। देहा चीती जोरी भक्ति चाच ठेवा, उगड़दार देवा आता उगड़दार देवा। ये मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता है। इनके पिताजी श्री सचिदानंद मुनगंटीवार जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। ऐसे में उनको बचपन से राष्ट्रहित को सर्वपारी रखना और सभी को साथ लेके चलना, ये सोच उनके व्यवहार में बनी रही। इसी सोच के साथ सुधीर मुनगंटीवार ने चंद्रपुर की सेवा में खुद को समर्पित किया और चंद्रपुर की दिशा बदल दी। सालों में मैंने यहाँ पे, अभी रोड बन रहे हैं अच्छे, बस स्टैंड बन रहा है अच्छा, फिर रेलवे में भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। ये इलेक्शन के बाद में जो सुधीर भाऊ जीत के आए थे कुछ साल पहले, उस दिनों से काफ़ी परिवर्तन हो गया है चंद्रपुर जिले का। एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है यहाँ के, सब मतलब सर लोग अच्छा कोऑपरेट करते, बात बात अच्छे से करते हैं। बैम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर BRTC की स्थापना चंद्रपुर जिले में हुई। यहाँ से हम जो महिलाओं को है यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, हैंडीक्राफ्ट का कैसे प्रोडक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, उनका नॉलेज देते हैं। तो महिलाओं का यहाँ पे ट्रेनिंग हुआ है और भी बहुत सारे ट्रेनिंग आते रहेंगे और करना चालू है। सर यहाँ पे मेनली बाम्बू का काम होता है, हरा बाम्बू, वो हम यूज़ करते हैं टूथपिक के लिए। यहाँ पे हमने अभी तक 50 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया है और अभी फिलहाल 20 महिलाएं यहाँ पे काम करती है, उनको हम डेली बेसिस पे वेजेस देते हैं।
डायमंड कटिंग ट्रेनिंग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. एक नया प्रोजेक्ट है माननीय सुधीर मुंगंटीवार सर इन्होंने लाया है, तो इनके हंसते मैं बहुत अभी तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे अभी यहाँ पे जॉब मिला सर. जो यहाँ पे मैं अर्न करती हूँ उतना अर्न तो बल्लारश में कहीं भी नहीं मिलता सर. खुश नसीब समझती हूँ कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ सर. और यहाँ पे अभी तो ट्रेनिंग सेंटर दिया गया है माननीय सुधीर मुंगंटीवार सर ने, तो कल चल के यहाँ पे कंपनी भी आएंगी और फ्री में दिया जा रहा है यहाँ पे प्रशिक्षण, तो लेना बहुत अच्छे से. मिशन शौर्य के अंतर्गत आदिवासी बच्चों को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का प्रशिक्षण मिला. भारत और चाइना का युद्ध हुआ. स्वर्गीय यशवंतराव चौहान, ये तब कहा जाता था कि सह्याद्री हिमागय के मदद के लिए गया है, संरक्षण मंत्री बने. और तब मैं जहां से हूं वहां से कन्दमवार जी सह्याद्री के मदद के लिए आए. और पंडित जी ने कहा सबसे ज्यादा सुवर्ण दान होना चाहिए क्योंकि भारत चीन के युद्ध में हमें मदद चाहिए. तो यशवंतराव जी डिफेंस मिनिस्टर थे तो सबसे ज्यादा सुवर्ण दान महाराष्ट्र से हुआ. हमारे यहाँ के माँ बहनों ने अपना जो मंगल अलंकार है, सौभाग्य अलंकार है, वो भी सोने की चूड़ियाँ हो, मंगल सूत्र है, तब दान दिया. मैं उस जगह से हूँ कि मैं अभिमान से कह सकता हूँ इस देश में सबसे ज़्यादा सुवर्ण दान देने वाला जिला मेरा था. जो सफाई ये वो पूरा अच्छा काम किए उन्होंने, लेकिन पब्लिक का कैसा है कि जैसे जो दारू बंद किए उन्होंने उसके वजह से पूरी पब्लिक नाराज है. शराबबंदी की वजह से क्या हुआ और बेरोजगारी बढ़ गई. वो आदमी ठेला लगा के या कहीं काम कर रहे थे होटलों में, इसमें उसमें, तो वो लोग खाली हो गए. जो फुटपाथ में मेरे जैसे फुटपाथ में और धंधा कर रहे थे तो वो लोग भी खाली हो गए. इनडायरेक्टली जो लेबर कास्ट का पूरा पैसा दारू में चला जाता था, कुछ हद तक बचता है, उसका पैसा उसको फैमिली में आता है, ये बेनिफिट है. और बाकी फिजिकल जो शारीरिक जो विकृतियां बनती थी दारू की वजह से वो भी तो दूर हुई लोगों में. देखो चंद्रपुर बनाने की कोई कोशिश है, ये कोई भी परिवर्तन कोई एक वर्ष में, दो वर्ष में, तीन वर्ष में नहीं होता. दारूबंदी करने का एक सा कि एक बार मेरे एक बहुत छोटी बच्ची मेरे पास आई, धन्यवाद दी, बोले मेरी माँ को मेरे पिताजी रोज मारते हैं. और गांधी जी को पढ़ा और उसके बाद हमारे जगह में एक बहुत बड़ी मूवमेंट चल गई. 585 गांवों ने ये ठहराव किया कि दारूबंदी होनी चाहिए. 5000 महिलाएं चिमूर से नागपुर के टी पॉइंट तक पदयात्रा करके गई. ये अकेला मोर्चा है जो समाज को व्यसन मुक्त करो इसलिए निकला है, तो सरकार ने गंभीरता से सोचना चाहिए. मैं सुधीर भाऊ को जब भी बोलती हूँ कि हमको हमारी समस्याएं हैं तो हमको कुछ आपको बताना है तो वो सुनते हैं. जैसे मेरे एक स्टूडेंट का एक बहुत ही लेटेस्ट अनुभव रहा है कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताई कि मैंने सुधीर भाऊ को डायरेक्ट फोन लगा दिया, तो सुधीर भाऊ ने सुना और उसी वक्त एकदम से आदेश दे दिए कि चलो इन बच्चों का प्रॉब्लम पहले सॉल्व करो. तो सुनने वाला एक व्यक्ति है कि जिसको हम खुल के हमारी बात बता सकते हैं. हाउ MLA थे उस टाइम से और आज इतने बड़े मंत्री हैं, बताइए, पूछिए, पूरे अपने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री है, पर अभी भी अगर मैं कॉल करूँ ना वो अभी भी रिसीव करते हैं. सुधीर भाऊ का क्या है? अब उनके बारे में जो भी बोले उतना कमी है. उन्होंने जो काम किए है ये 5 सालों में, ऐसा काम किसी ने आज तक किया भी नहीं. चंद्रपुर जिले में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से 100 बिस्तर वाले कैंसर अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ. नागपुर यूनिवर्सिटी से MPhil करने के बाद सुधीर मुंगंटीवार 1993 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष बने. 1995 में रिकॉर्ड वोटों से आपने विधानसभा चुनाव चंद्रपुर से जीता और उसके साथ ही उन्हें टूरिज्म और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री का कार्यभार संभालने का मौका मिला. इसके अतिरिक्त वो चंद्रपुर और वर्धा जिले के गार्जियन मिनिस्टर भी बने. 1998 में महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा सुधीर मुंगंटीवार को बेस्ट ओरेटर का अवार्ड मिला. साफ नियत, स्पष्ट सोच और काम के प्रति दृढ़ संकल्प की वजह से उनका कद
राजनीति में बढ़ता चला गया। 2010 से 2013 तक उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 2014 में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार में सुधीर मुनगंटीवार को कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ फॉरेस्ट एंड प्लानिंग मिनिस्टर का कार्यभार मिला। एक अच्छे मित्र हैं, अच्छे व्यक्ति है, अच्छे इंसान है और उनका एक जनसंग्रह है, वो जनसंग्रह बहुत अच्छा है। अपने चुनाव क्षेत्र से जीतते हैं, चुनाव क्षेत्र के काम करते हैं। चाहते हो यदि जीवन बचाना, मत भूलो फिर वृक्ष लगाना। वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं। धरती माँ का कर्ज चुकाएं, धरती माँ का कर्ज चुकाएं। वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। एकच लक्ष्य, 33 कोटी वृक्ष। साल 2016 में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल किया, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अपनी सूची में अंकित किया। 2.82 crores of saplings, I think is a remarkable achievement. साल 2017 में 4 करोड़ और 2018 में 13 करोड़ पौधे लगाने का कार्य पूरा किया गया। साल 2019 के लिए कुल 33 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं सुधीर भाऊ का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के वन मंत्री के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने इस मिशन को हाथ में लिया। As Gadkari ji was mentioning Sudhir Mungantiwar's name, this man is fire. Without his enthusiasm, these things wouldn't have happened. 33 crore trees that you are going to plant will bloom, and together with them will bloom and will flourish also your economy and your development of your beautiful country. This is a very meaningful initiative and will create a green lung for all to enjoy. Planting trees is such an important part of improving the environment and bettering the world for future generations. वन और संरक्षण के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हेलो फॉरेस्ट हेल्पिंग सेवा का उद्घाटन हुआ। महाराष्ट्र स्टेट जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ फंड, मैंग्रोव्स ग्रीन आर्मी, जिसमें 61 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं, और नेचर टूरिज्म बोर्ड जैसे कार्यों को प्रबल बनाने में उनका विशेष ध्यान रहा। लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा करने के लिए श्री अमिताभ बच्चन को महाराष्ट्र टाइगर एम्बेसडर और श्रीमती रवीना टंडन को संजय गांधी नेशनल पार्क्स ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। जो 13 करोड़ एक वर्ष में, कुछ वर्षों में 50 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, उनको भी बहुत बधाई। तुम्ही या अतिशय महत्त्वाच्या कामामध्ये संपूर्ण जनतेला इन्वॉल्व केलं आणि ज्याच्यामध्ये जनतेचा सहभाग असतो, मला वाटतं असं कोणतेही काम अपयशी होऊ शकत नाही की याच्यात जनतेचा सहभाग आहे। आणि म्हणून पहिल्यांदा मी तुम्हाला धन्यवाद देतो, अभिनंदन करतोय की एक वेगळ्या मार्गाने तुम्ही हे एवढं प्रचंड काम आजपासून सुरू करता। देखो, ये मंत्री करके यही चाहे गए जाए, अच्छा करने के बाद भी अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। ये गीत के जैसा लोग, कितनी भी अच्छाई करो उसमें से कुछ तो भी गलतियाँ निकालने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि नहीं है, आगे जाते समय हमने सपोर्टिव भूमिका लेना चाहिए, मगर कभी कभी मन कहता है ये वर्ग छोटा है। अब ये जो कहते हैं उस पर हम अगर ज़्यादा सोचते रहे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विधानसभा में विपक्ष के सदस्य होते हुए बहुत अच्छी सुझाव सरकार को उन्होंने किए। मिनिस्टर होने के नाते सुधीर मुनगंटीवार ने महाराष्ट्र के विकास में काफी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। शेतकरी सम्मान योजना के तहत
34,000 करोड़ रुपए का किसानों का लोन माफ किया। सरकारी कर्मचारियों की बीमा राशि में वृद्धि करवाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर वॉर रूम की शुरुआत की। राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील महिला व युवकांना विविध रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे गरज आहे। सन 19-20 आर्थिक वर्षात रुपये 100 कोटी रुपये नियत व्यय राखून ठेवण्यात आला आहे। बजट में हम लोग कुछ घोषणा करते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ काम करता हूँ फाइनेंस में, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है अभी, उसके बारे में वो केयर लेते हैं और उसके डॉक्यूमेंटेशन के करने के बारे में भी वो बहुत पार्टिकुलर है। उन्होंने UNDP को एंगेज किया, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया और लाइवलीहुड कैसे प्रमोट हो जाए, ताकि अल्टीमेट एम जो है वो उनको हेल्थ सर्विस देना ही है, एजुकेशन देना है, लेकिन उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है। सबसे अच्छी खासियत ये है कि एक काम के पीछे 10, 12, 13, 14, 15 दफ़ा वो स्मरण पत्र दे सकते हैं। एक काम के पीछे पड़ते हैं तो उसी काम को कभी भूलते नहीं। विपक्ष में रहने के बावजूद भी वो विधानसभा का उनका कार्य बहुत अच्छे तरह से किया उन्होंने। अब तो वो सत्ता में है, उनके पार्टी ने उनको वित्त मंत्री किया है, शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे। आदर्श राजनेता के लिए पहली 3 विशेषताएं क्या होनी चाहिए? देखो, पहली विशेषता तो यह है कि हृदय से काम करना चाहिए। दूसरी विशेषता कि जो व्यक्ति आपके सामने आया, कुछ सेकंडों के लिए आप अपने आप को उसके रूप में ढाल दो। एक दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आया है कुछ मांगे लेकर, आप कुछ सेकंडों के लिए यह सोचो कि मैं उसकी जगह पर हूं, तो मुझे लगता है कि सारे रिश्ते खुल जाएंगे। और तीसरा कि अच्छे सोच, अच्छे सपनों को आधार देना है तो सपने देख कर नहीं होगा, उसके पीछे पूरी शक्ति के साथ नियोजन करना होगा और उसका फॉलोअप करना होगा। क्योंकि मंत्रालय की विशेषता यह है, अगर आप फॉलोअप करोगे तो सुई मिल जाएगी और नहीं करोगे तो जंबोजेट गायब हो जाएगा। ३३% वनच्छेदना करता 400 कोटी झाडं आपल्याला लावायची आहेत। त्यातला पहिला टप्पा हा 50 कोटीचा येत्या 4 वर्षामध्ये आपण पूर्ण करतो आहोत। पुढच्या वर्षी 25 कोटी वृक्ष आपल्याला लावायचे आहेत आणि या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये मी वन विभागाचं आणि विशेषतः सुधीर भाऊंचं याकरता अभिनंदन करेन। मैं समझता हूं कि विपक्ष में जितने मैंने नेता देखे हैं उसमें से जरूर सुधीर मुनगंटीवार जी एक अलग अपनी छाप छोड़े हुए हैं। बहुत कार्य तत्पर थे और है वो, और इसीलिए मुझे लगता है कि उनका भविष्य अच्छा है और आने वाले दिनों में उनकी तरक्की हुआ है, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। सुधीर भाऊ भारतासमोर आपल्या कार्यातून हा जो आदर्श निर्माण करत आहे, हा एक जगासमोर त्यांनी लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये जाऊन 3 वेळा रेकॉर्ड केलेला आहे। हे त्यांचं कार्य अतिशय अजरामर ऐतिहासिक आहे। त्यांच्या जीवनातलं ते हे अविस्मरणीय कार्य आहेच, कधीच कोणी ते विसरू शकत नाही। पण त्यांच्या या कार्यातून त्यांनी भारतासमोर एक नवीन आदर्श निर्माण केलेला आहे आणि जगातल्या लोकांना देखील एक नवीन दिशा दिलेली आहे। योगी अरविंद जी कह के गए, उन्होंने कहा था कि जो भी काम करो ईश्वर की अर्चना समझ कर करो। जूता भी पॉलिश करना है तो चमकाओ, हम अपने चेहरे को उसमें देख सके। तो जिस व्यक्ति के हाथ में जो काम आएगा, वो कोई भी क्षेत्र का हो,
मैं उसमें आगे बढ़ूंगा। अगर खेलता है कबड्डी तो ऐसी कबड्डी खेले जान गगा के कि जब कभी कोई स्पर्धा हो तो मेरे भारत माता का नाम होना चाहिए। जब अगर वो कोई चित्रकार है तो ऐसा चित्र निकाल दे कि जब कभी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो दुनिया कहेगी क्या चित्र है। जो भी करे वो ईश्वर की अर्चना समझ कर करे, यही जीवन की सफलता का राज है।